हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संगम क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको यहाँ डिस्कस करूँगी। तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जिसका नाम है नोबल लॉरिएट्स, द इम्पोर्टेंट नोबल लॉरिएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम बात करें तो ये जो नोबल लॉरिएट्स लिखे गए हैं ये एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं। कुछ मतलब इनके बारे में जो एग्जामिनर है वो बार बार पूछता रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। मैंने उन नोबल लॉरिएट्स को सिलेक्ट किया है। तो आपको याद रखना है नोबल लॉरिएट्स को नोबल प्राइज कब मिलता है। तो देखते हैं, सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग की बात करें। रुडयार्ड किपलिंग को जो नोबल प्राइज मिलता है तो वो मिलता है 1907 में। अगर बात करें टैगोर की तो टैगोर को मिलता है 1913 में। बात करें डब्ल्यू बी यीट्स की तो उनको मिलता है 1923 में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिलता है 1925 के अंदर। थॉमस मान को 1929 में मिलता है। सिंक्लेयर जो लेविस है उनको 1930 में मिलता है। यूजीन ओनील को 1936 के अंदर मिलता है। पर्ल असबक को 1938 में मिलता है। हर्मन हेसे को 1946 में, तो टीएस इलियट को 1948 में नोबल प्राइज़ मिलता है। विलियम फोकनर की बात करें तो 1949 जो है उसमें विलियम फोकनर को नोबल प्राइज़ मिलता है। और 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबल प्राइज़ मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो रुडयार्ड किपलिंग है उनको 1907 में, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, डब्ल्यू बी यीट्स को 1923 में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में, थॉमस मान को 1929 में, सिंक्लेयर लेविस को 30 में, यूजीन ओनील को 36 में, पर्ल असबक को 38 में, हर्मन हेसे को 46 में, टीएस इलियट को 48 में, विलियम फोकनर को 1949 के अंदर, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1954 के अंदर नोबल प्राइज़ मिलता है। इनमें से भी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो भी बताऊंगी। एक बार हम देख लेते हैं कि अगले जो राइटर्स बचे हुए हैं उनको नोबल प्राइज़ कब मिलता है। तो अगर बात करूं अल्बर्ट कामू की तो 1957 में इसे नोबल प्राइज़ मिलता है। इसके साथ साथ जो ये हैं, जीन पोल सार्टे को 1964 में, थॉमस बैकेट को 1969 में, और पैट्रिक वाइट को 1973 में, विलियम गोल्डिंग को 1983 में, बॉल सोइंका को 1986 में, नादीन गोर्डिमर को 1991 में मिलता है, इसको 1993 में मिलता है, और सीमस हनी को 1995 में मिलता है। इसकी बात की जाए तो 2001 में वीएस नोयपोल को मिलता है, 2003 में जेम कुर्जी को मिलता है, हरोल्ड फिल्टर को 2005 में मिलता है, और डोरस लेसिंग को 2007 में मिलता है। ये जो दो राइटर्स लिखे गए हैं, लुइस ग्लोक और अब्दुल रजाक गुरना जो हैं वो लेटेस्ट हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लेटेस्ट हैं वो दो, नीचे से अगर आप बात करें तो हम बात करें 21 की, 20 की, 19 की, 18 की, तो आप ये भी याद करना क्योंकि जो लेटेस्ट डाटा है वो भी काफ़ी एग्जाम्स में देखा जाता है। तो लुइस ग्लोक की बात की जाए तो लुइस ग्लोक की अगर हम बात करें तो इसको जो नोबल लॉरेट ये रहते हैं कब रहते हैं, 2020 में, और ये 2021 में रहते हैं जो लेटेस्ट हैं अब्दुल रजाक गुरना, ये तंजानिया से हैं। तो ये हमने देखा कि अल्बर्ट कामू को कब मिलता है, अल्बर्ट कामू को 1957 में मिलता है, जीन पोल सार्टे को 1964 में मिलता है, तो सैमुअल बेकेट को 1969 में, पैट्रिक वाइट को 1973 में, विलियम गोल्डिंग को 1983 में, वोल्सो इंका को 1986 में, नदिन गोडिमर को 1991 में, टोनी मोरिशन को 1993 में, सीमस हनी को 1995 में, वीएस नोयपोल को 2001 में, जेम कुर्जी को 3 में, हरोल्ड पिंटर को 5 में, डोरस लेसिंग को 7 में, और ये दो जो लेटेस्ट हैं वो है लुइस ग्लोक और अब्दुल रजाक गुरना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबल लॉरिएट जो है वो सिलेक्ट किए हैं जो बार बार एग्जाम्स में देखे जाते हैं। और इनसे भी अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट ही हैं। अगर आप इनमें से भी कुछ कलेक्शंस पाते हैं कि हमें इनमें से भी आप सिलेक्ट करके दें कि हमें और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हमें छोड़कर जाना नहीं चाहिए। तो देखिए, जहाँ से क्वेश्चन जो देखे गए हैं, बहुत बार देखे गए हैं, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, इसके बाद आता है थॉमस मान, थॉमस मान के बाद जो है टी एस इलियट, विलियम
फोकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अल्बर्ट कामो से बहुत बार देखा गया है, अल्बर्ट कामो से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, पैट्रिक वाइट से बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, विलियम गोल्डिंग से देखा गया है, इसी के साथ साथ जो है टोनी मॉरिसन से देखा गया है, जे एम कुटची से देखा गया है और डोरिस लेसिंग से देखा गया है। तो मुझे आशा है कि जो भी मैंने राइटर्स लिखे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं, आप उन्हें याद करेंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो भी आप देख करके जाएं कि कौन कौन से हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं ये सभी हैं, बट अगर ये नहीं है तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, अल्बर्ट कामो से, विलियम गोल्डिंग से, टोनी मॉरिसन से, जे एम कुर्जी तो नेट में भी पूछा गया था, डोरिस लेसिंग से, इसके साथ साथ टी एस एलियट से, यूजीन ओ'नील से, थॉमस मान से, जॉर्ज बर्नार्ड से। तो फ्रेंड्स, रुडयार्ड किपलिंग जो है वो स्टेट एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप याद रखें रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबल प्राइज़ मिलता है। फ्रेंड्स, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपका काम नोबल लॉरियट्स को याद करने में आसानी रहे, आपको आपका वो इम्पोर्टेंट राइटर स्किप ना हो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया एक अनदर टॉपिक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम कहें तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा उसके साथ साथ मैं आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो भी बताऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहें, और मेरी जो वीडियो है अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।